हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि आप फेक आईलैशेस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या नकली पलकों को हमें कैसे लगाना चाहिए और कैसे हम इसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और जहाँ से मैंने ये लैशेस परचेज की थी, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मुझे ये लैशेस मिल गई थी और ये ग्लू भी मिली थी। ग्लू मुझे इसके साथ नहीं मिली थी, एक्चुअली मैंने अलग से परचेज की थी। तो इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी गाइस, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और मुझे ये 5 लैशेस का सेट मिला था, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर मिला था और काफ़ी अच्छी डील थी। तो आप भी ज़रूर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इसके लिए चाहिए लैशेस ऑफ कोर्स, और एक पेंसिल ब्रश, और ये ट्वीज़र यानी कि चिमटी है जिसे भी आप कहते हैं, और ये ग्लू चाहिए। और इस ग्लू के ऊपर सभी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि हमें किस तरीके से इस ग्लू को अप्लाई करना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह के पैक में आई थी और इसके ऊपर मेंशन किया हुआ था कि ये हुडा ब्यूटी की है। आई डोंट नो कि ये ड्यूप है या ओरिजिनल है, बट इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है हुडा ब्यूटी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और काफ़ी अच्छी आईलैशेस लगी है, मैंने ये फर्स्ट टाइम ही परचेज की है। तो आपने इसे ट्वीज़र की हेल्प से बहुत ही केयरफुली निकाल लेना है सबसे पहले अच्छे से। और ये कुछ इस तरह से होती है, क्योंकि ये भी स्टिक होती है ग्लू से, तो आपने इसे काफ़ी केयरफुली निकालना है। तो ये मैंने इसे निकाल लिया, और जब आप इसे निकालते हैं तो आपने इसे हल्के से ट्विस्ट कर लेना है इस तरीके से, ताकि जब आप इसे अपने लैशेज़ पर अप्लाई करें तो ये काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाए और अपनी शेप में आ जाए। तो इस तरीके से मैंने इसे बेंड कर लिया है थोड़ा सा। और आपने देखा होगा कि लैशेस की काफ़ी बार एंड में यहाँ पर इसके किनारे दिए होते हैं, कुछ निकले होते हैं जो कि चुभते हैं जब आप अप्लाई करते हैं लैशेस को। तो इसलिए जब भी आप आई लैशेस को अप्लाई करते हैं, अपनी लैशेस पर लगाते हैं, तो इसके जो एजेस होते हैं उसे कट कर लीजिए सीजर की हेल्प से। और मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी लैशेस पर इसे रख कर देख रही हूँ कि मेरी आइज़ के अकॉर्डिंगली इसका साइज़ जो है परफेक्ट है या नहीं। तो ये मेरी आइज़ के अकॉर्डिंगली एकदम परफेक्ट है, बस इसके जो किनारे हैं वो थोड़ा सा मुझे चुभ रहे हैं, तो मैं इसे सीजर की हेल्प से कट कर लेती हूँ। और आपने स्टार्ट से कट कभी नहीं करना है, जो इसका स्टार्ट होता है हमेशा एंड से कट करना है। ये देखिए, एंड में इसके ये चुभने वाली चीज़ दी हुई है, तो मैं इसे थोड़ा सा कट कर लूँगी सीजर की हेल्प से। तो ये मैंने कट कर लिया है, और अब मैंने यहाँ पर ये ग्लू ले ली है, और मैं इस ग्लू को इस तरीके से आपने पकड़ना है, इसे होल्ड करना है आई लैशेज़ को, और इस तरीके से आपने इसे ग्लू को लगा लेना है। आपने बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी है, ना ही बहुत थोड़ी लगानी है। और ये ब्लैक कलर में है ग्लू, और इसे आपने 30 से 40 सेकंड तक थोड़ा सा ड्राई होने देना है, क्योंकि जब आप इसे ड्राई होने देते हैं ना, तो बहुत ही ईजिली अप्लाई हो जाती है लैशेस। और ध्यान रहे गाइस, जब भी आप आई लैशेस को अप्लाई करें तो आप अपना जो भी आपका मेकअप है वो कम्प्लीट कर लीजिए आई मेकअप, उसके बाद ही आप आई लैशेस को अप्लाई करें। इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है, काफ़ी ड्रामेटिक आईज लगती हैं आपकी। तो यहाँ पर मैं इस ट्वीज़र की हेल्प से इन लैशेस को अपनी लैश पर लगा लूँगी। और आपने अपर लैश पर जब आपने इसे अप्लाई करना है, तो जो नेचुरल लैश लाइन होती है उसी पर अप्लाई करना है, स्किन पर नहीं लगाना है, नहीं तो ये फेक दिखेंगी। और इस तरीके से आपने मिरर को होल्ड करके थोड़ा सा नीचे की तरफ देखना है, और इस तरीके से आपने सेंटर में हल्का सा इसे प्रेस करना है। और आप पेंसिल ब्रश की हेल्प से भी ग्लू को लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। आपने फेक लैशेस लगाने से पहले भी मस्कारा को अप्लाई करना है और बाद में भी। अब मैं दूसरी आईज़ पर मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। ठीक इसी तरीके से आपने दूसरी आई लैशेस पर भी ग्लू लगा लेनी है, और इसे 30-40 सेकंड तक मैं ड्राई होने दूँगी, उसके बाद ही अप्लाई करना है आपने। आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ईजी लगता है। और मैं यहाँ पर ट्वीज़र की हेल्प से ले रही हूँ, कर रही हूँ इसे सेट अच्छे से। आपको बस इसमें 1 से 2 बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसे लगाने में, और तब आपको काफ़ी इजी लगेगा इसे लगाना। तो ये देखिए, दोनों आईलैशेस मैंने अच्छे से लगा ली हैं। और अब आपको जो थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो मैं इसके ऊपर आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि इससे जो थोड़ा सा गैप होता है वो भी अच्छे से कवर हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का ये आईलाइनर लगा रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर मस्कारा लगा लूँगी, और उसके बाद मैं आईलाइनर लगाऊँगी। और एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था कि आप आईलैशेस को कैसे रिमूव करते हो, कैसे ईजिली हम इसे निकाल सकते हैं ताकि हमारी जो ओरिजिनल लैशेस है वो भी ख़राब ना हो।
और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाइलाइटर। यहाँ पर मेरा ये स्टेप कंप्लीट होता है। और गाइज आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी और मेरी आई लैशेज आपको कैसी लग रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको फॉल्स लैशेज को कैसे आपने रिमूव करना है, ये बता देती हूँ। आपने इस तरह से एक ईयरबड ले लेनी है, ये देखिए, और इस पर आपने नारियल का तेल लगा लेना है, यानी कि कोकोनट ऑयल। मैं इसी की हेल्प से अपनी आई लैशेज को रिमूव करती हूँ और बहुत ही आसान तरीके से हट जाती है। जब आप ऑयल की हेल्प से इसे हटाते हैं तो ग्लू भी आसानी से निकल जाती है। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो ये पता नहीं लोग बुलेट क्यों चलाते हैं यार, अगर आप चाहें तो मेकअप रिमूवर की हेल्प से भी आईलैशेस को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें नारियल ऑयल लगा लिया है और आपने इसके जस्ट ऊपर लगाना है। और ये देखिए कितनी आसानी से निकल गई है। बहुत ही आसान है इसे निकालना। बस इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपनी जो ओरिजिनल लैशेज हैं उन्हें हार्म ना करें, उन्हें नुकसान ना पहुंचे। बहुत ही इजीली से इसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और गाइज़ ये बिल्कुल फ्री है, और गाइज़ मेरा कुछ नहीं आता है और आपका कुछ नहीं जाता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा कुछ नहीं, सिर्फ इतना होगा कि आपकी और मेरी बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और गाइज़ आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पर हर क्वेश्चन का आपके रिप्लाई करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।